memory loss होती है इसमें. ओके, दिस डिजीज इज अ डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर एंड इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमेंडिया. इट शो सम फीचर्स लाइक दैट मेमोरी लॉस, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड माइंड सेट चेंज. इसमें क्या होता है, डेमेंटिया वाला जो कंडीशन है जिसको हम मिलते हैं, जैसे आपने और देखा है सब सारे अपनी डिसीज के अपने पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था लास्ट वन आपका जो था उसमें क्या था, हेलोसिनेशन और डेलिशन था जो आपका था सिज़ोफ्रेनिया. सेम इसमें डेमेंटिया वाला जो है रिमार्केबल साइन सिम्टम्स है. ये वाली कंडीशन अगर किसी पेशेंट में दिखेगी तो वो उसको अल्जाइमर डिसीज़ है. डेमेंटिया बात करते हैं, डेमेंटिया क्या होता है, ये वाली क्या होता है, इसमें मेमोरी लॉस होने लगती है. मतलब आपकी याददाश्त धीरे धीरे खोने लगती है, मेमोरी जो है वो लॉस होने लगती है. तो इस वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमको अल्जाइमर हो रही है. और ये ऐसा नहीं एकदम सडनली हो जाए, ये आपका ये तो प्रोसेस चलता है. ठीक है, एज बाय एज पहले धीरे 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 आप हम जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट आपका तब ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में हो जाते हैं, तब हमको जाके पता चलता है कि हमको अल्जाइमर हो गया. उस केस में क्या होता है, डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है. मतलब जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ही लॉस, मतलब वो बिल्कुल ही डिग्रेड हो जाते हैं. तो इसी वजह से, और उसमें क्या रहता है और क्या इसके अलग फीचर्स हैं, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग हो जाएगी. जनरल सी बात है, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह जितने भी सिंथेसिस सब स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सेल्स ही नहीं रहेंगे, डिग्रेड हो जाएंगे वो. ठीक है, माइंड सेट चेंज, आपका माइंड सेट चेंज होता रहेगा, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. ओके, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था अल्जाइमर डिसीज. अब आपका आता है कॉजेज ऑफ अल्जाइमर डिसीज. ओके, अब कैसे कैसे अल्जाइमर डिसीज हो सकती है. पहला है इसमें जेनेटिक फैक्टर, जो आपका जेनेटिक कॉजेज है आपके. पहला है आपका जेनेटिक फैक्टर. अगर आपके मदर फादर में किसी को भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो फिर वो अल्जाइमर डिसीज कॉज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सेकंड वन है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपके आ जाएंगे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, ये तीनों इंक्लूड है. इन ब्रीफ हम इनको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अदर उसमें मैंने ये डिस्कस किया था आपका फर्स्ट यूनिट सेल इंजरी में. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपका मेन रोल प्ले करते हैं अल्जाइमर डिसीज के पॉजिटिव.